वैसे तो इस मैच में मैंने एक्सप्लोजिव स्टार्ट करा था, एकदम जबरदस्त शुरुआत हुई थी, बट फिर और ज़्यादा रन का लालच हमको भारी पड़ गया, और कैसे भारी पड़ गया वो भी आप यहाँ पे देखते रहोगे। बट हाँ, ये जो ओपोनेंट है ना, वो कभी भी बाजी को पलट भी सकता है, क्योंकि इसकी बॉलिंग में भाई कहीं ना कहीं ऐसी वेरिएशन आ जाती है कि हम जो है चकमा खा ही जाते हैं। तो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। सामने वाले ओपोनेंट के पास है लंदन का स्क्वाड और अपने पास है कराची सेंट्स, और यहाँ पे शुरुआत करी हमने 5-2-3, क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रोक शॉट है ना, ये गैप निकाल सकता है बहुत अच्छे तरीके से, बट हमारे टाइम पे कब अच्छे से लगेगा पता नहीं। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा 2 रन के लिए, 156 खेला था मैंने यहाँ पे। देखते नेक्स्ट बॉल कहाँ आता है। अब ये जो बॉल है बहुत ही ज़बरदस्त बॉल था, मानना पड़ेगा भाई इनको, काफ़ी बढ़िया बॉल डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने बहुत बढ़िया टाइमिंग कर ली, 6 रन के लिए जाएगा ये बॉल। अब नेक्स्ट बॉल पे फिर से गजब की टाइमिंग, और इस बार भी ये नहीं रुकने वाला, एक और 6, 15 रन हो गए टोटल। और ये तो भाई गजब का शॉट है फिर से, पर मेरे ख्याल से सिर्फ चौका ही मिलेगा। तो 3 परफेक्ट शॉट बैक टू बैक मारे, बट फ़ायदा कुछ इतना ज़्यादा हुआ नहीं। वैसे हाँ, 19 रन तो हो गए, ये तो है। अब यहाँ पे 1 रन और, 20 रन, 0 विकेट, 1 ओवर 1 गेंद। ये जो ओवर है वो ये कर रहा है एडम सैम्पा। अब अगली बॉल पे फिर से 156 खेला है, बट इस बार परफेक्टली टाइमिंग नहीं हुआ है, जिसके चलते हमें 2 रन मिल जाएंगे, 22 पे पहुँचे हम। अब नेक्स्ट बॉल पता नहीं कौन सा है, बट मैं यहाँ पे खेलूँगा, ये कौन सा शॉट है भाई, 303 है रेडिकल का। अब नेक्स्ट बॉल यहाँ पे फिर से 156 खेला है, पर यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, 2 ही रन ले पाएंगे बस। तो अभी वैसे 28 पे पहुँच चुके हैं हम, 28, 1 ओवर 4 गेंद। अब यहाँ पे खेला है भाई 4-3-1, गेस कर लिया हमने, और 32 पे पहुँचे हम। अब यहाँ पे फिर से 308 खेला है, बट 2 रन तो मिल ही जाएंगे, 34 पे पहुँचेंगे, 2 ओवर 34 रन, 0 विकेट। तो स्टार्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 17 की रन रेट शुरुआत में काफ़ी अच्छी कहलाती है। अब नेक्स्ट ओवर, अब देखो यहाँ पे मैंने खेला है 112, टाइमिंग इस शॉट पे भी परफेक्टली जो है वो हुई नहीं है, तो जिसके चलते हम 2 रन लेंगे। अब नेक्स्ट बॉल, एक स्टेप आगे जाके खेला है 281, और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्ट हुआ है, तो इसके चलते हमें 42 पे पहुँचने का मौका मिल गया। अब अगले बॉल पे मैंने खेला है 311, बट गैप होने की वजह से 46 रन चले गए, तो ढाई ओवर में ही हम 46 पे पहुंच गए, तो जिसकी वजह से है ना, मैं जो सोच रहा था कि इस बार ना 80 रन तक लेके जाना है, तो यही सोच ने मेरे को डुबा दिया, और कैसे डुबा दिया वो देखते रहो। यहाँ पे मैंने खेला 417, लालच थी ना कि छक्का मारना है, पर हुआ क्या, कैच चला गया, वार्नर आउट। इससे अच्छा था मैं 308 खेल के 2 रन लूँ या फिर ऐसा करूँ, बट नहीं, मेरे को चाहिए था 6, तो जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे विकेट गंवाना पड़ा। अब नेक्स्ट बॉल यहाँ पे मैंने खेला 308, बट फील्डर है, 2 रन मिलेंगे, तो 48 पे पहुँचे हम 3 ओवर के बाद। अभी देखा जाए ना तो अपना रन रेट हो चुका है 16 का, बट मैं जो सोच रहा था कि हाँ 80 रन तो मारने हैं ना हमको, तो हम जो है वो ऐसे ही खेलेंगे, बट यहाँ पे एक वाइड मिला, 49 पे पहुँचेंगे हम, देखते अब आगे क्या होता है। अब नेक्स्ट बॉल यहाँ पे भाई खेल दिया अच्छे से, यहाँ पे मिलेगा 2 रन, तो 51 पे पहुँचेंगे हम, 3 ओवर 2 गेंद, 51 रन 1 विकेट। अब नेक्स्ट बॉल पे यहाँ पे हमने फिर से पीछे की साइड खेलने की कोशिश करी, बट यहाँ पे कुछ हो नहीं पाएगा, यहाँ पे अंपायर जो है वार्निंग देंगे। नेक्स्ट बॉल, अरे यार चूक गया भाई, यहाँ पे मुझे खेलना था 417, बट ये कर्सर इस तरफ घूम गया। अब यहाँ पे जो है वो 2 रन फिर से, 295 खेला था, 3 ओवर 4 गेंद, 53 रन 1 विकेट। अगला बॉल भाई घूम के मार सकते हैं 494, बट लेट टाइमिंग पे भी कैच चला गया, तो ये किस्मत ख़राब है अपनी, क्योंकि लेट टाइमिंग पे कैच इतना चाहता नहीं है, बट मेरा गया 53 पे, 2 विकेट, 3 ओवर 5 गेंद। अब रिजवान, देखा ना कैसे लालच जो है भारी पड़ता है ज़्यादा रन करने का। ये देखो एक और विकेट चला गया मेरा, मुझे लगा कि भाई मैं टाइमिंग कर ही लूँगा, बट टाइमिंग हुआ नहीं मेरे से,
तो चार ओवर में मेरे जो है इतने विकेट जा चुके हैं। अब यहाँ पे मेरा स्कोर भी है सिर्फ कितना 53 का, तीन विकेट जा चुके हैं। अब क्या करें, अब यहाँ पे दो रन लेंगे और आराम से 54, दो रन भी नहीं मिले, देखो एक ही रन मिला साला, 54 पे ही पहुँचेंगे। अब देखते अब नेक्स्ट बॉल, यहाँ पे 303 खेला बट यहाँ पे भी सिर्फ एक ही रन मिल पाएगा, कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा यहाँ पे भी। सही में अरे ज़्यादा स्कोर का लालच है ना, वो डुबा के रख देता है सही में। ये देखो 222 खेलने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि फील्डर यहाँ पे है ही, और 222 जब सेकंड सर्कल में फील्डर हो ना तो साला बहुत रिस्की शॉट है। तो इसके चक्कर में एक और विकेट चला गया मेरा, 55 पे मेरे चार विकेट चले गए। बट यहाँ पे एक ये भी सोच थी, अगर मैं दो दो रन भी लेता, 12-12 रन भी ओवर में आते ना, तो हम ऑलरेडी एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते थे 70 के ऊपर का। बट हमने वो नहीं सोचा, हमने सोचा कि कैसे तबाही मचती है वो देखो। अब तबाही मचाने के चक्कर में खुद के ही टीम की तबाही मच गई, अब ये कौन देखेगा। अब यहाँ पे फिर से दो रन लेंगे हम और 59 पे पहुँचेंगे। अब ओवर का आखिरी गेंद बचा है, सोच रहा था कि 80 रन मारूंगा बट हुए कितने, मुश्किल से 61, वो भी मुश्किल से, और टारगेट भी सिर्फ और सिर्फ 62 का, और सामने ओपोनेंट भी अच्छे हैं। तो अब जो है वो बैटिंग तो कुछ ठीक ठाक हुई नहीं है, और अब हमको करनी पड़ेगी अच्छी खासी बॉलिंग, क्योंकि अगर अब बॉलिंग नहीं कर पाए ना तो मैच गया हाथ से। अब शुरुआत करते हैं रहमान के साथ, और पहला बॉल डाला था यहाँ पर दूसरा, तो अच्छा काम कर गया वो बॉल, टेक्निक काम कर गई वहाँ पे। अब ये तो दो रन जाएंगे और बहुत ही इजीली ले लेंगे दो रन, अब इनको चाहिए 60 रन और। नेक्स्ट बॉल कला है ड्रिफ्टर, अरे यार ड्रिफ्टर तो वाइड चला गया। अब देखते अगले बॉल पे, कैरम बॉल, और ये तो बहुत गजब का कनेक्शन बना है, चार रन के लिए जाएगा, सात रन पे पहुँचे, चलो टॉप स्पिन पे मिस करा दिया। चार गेंदे सात रन जीरो विकेट, और अभी यहाँ पे एक रन और, आठ रन जीरो विकेट। अब आम बॉल डाला है और यहाँ पे भी भाई एक रन तो जाएगा। तो पहले ओवर में तो सिर्फ हमने 9 रन ही दिए जो कि बहुत बढ़िया काम कर गया, बट अब तक विकेट नहीं गिरे थे एक भी, तो अभी विकेट तो चाहिए ही चाहिए क्योंकि विकेट नहीं मिलते तो मुश्किल है। और इसी के साथ पहला विकेट मिल चुका है, 156 शॉट खेला, जो रूट था बल्लेबाज और विकेट मिल गया, भाई ने टॉप स्पिन समझ के खेला था और ड्रिफ्टर पे विकेट दिए गए, तो 9 रन पे पहला विकेट आया। नेक्स्ट बैट्समैन है एच ब्रुक, टॉप स्पिन बॉल, और इस बार ना एक ही रन जाएगा, दूसरा ले नहीं सकते। और ये देखो सही निर्णय कैंसिल करने का, रन कैंसिल कर रहा इसलिए बच गए। अब लेग स्पिन डालेंगे, बट यहाँ पे तो बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हुआ है, चार रन के लिए जाएगा ये। देखते हैं नेक्स्ट बॉल, टॉप स्पिन डाला था और इस बार भी कनेक्शन अच्छा है बट रन सिर्फ दो या एक। अरे भाई क्या ही तेज़ रनिंग करी है, बहुत बढ़िया। फ्लिपर बॉल, यहाँ पे कनेक्शन ठीक ठाक, एक रन मिलेगा क्योंकि एज लगा है और सीधा ही फील्डर के हाथ में गया था। अब नेक्स्ट है ड्रिफ्टर, अब यहाँ पे भी भाई ने 303 खेला, बहुत बढ़िया यार 303 खेल रहे हैं 220 को छोड़ के। वैसे हाँ 222 कहाँ से खेलेंगे, इसके पास तो रेडिकल है अभी। अब नेक्स्ट ओवर क्रिश वॉक्स, देखते इसकी ओवर में क्या होता है। चलो पहला बॉल तो खाली, अब जितने स्ट्रोक खेलेंगे उतना ज़्यादा दूर जाता जाएगा ये गेम इनसे, क्योंकि अभी स्ट्रोक खेल नहीं सकते ज़्यादातर क्योंकि पावर प्ले तो ख़त्म हो चुका है और सिर्फ 19 रन ही बना पाए अब तक। तब इनको थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा। अब ऑफ कटर बॉल डाला और ये जो है क्लियरली प्रेशर दिख रहा है, इनका क्लियरली प्रेशर में है वो ओपोनेंट। ये देखो बहुत ही गलत शॉट, यहाँ पर भी एक विकेट दे दिए, तो 21 रन पर दूसरा विकेट आ गया। दो ओवर चार गेंद 21 रन दो विकेट, और सामने है अब सूर्य कुमार यादव, देखते अब आगे क्या होता है। चलो ये तो गेंद खाली, दो ओवर पांच गेंद 21 रन दो विकेट। अब अगला बॉल है स्लोवर बॉल, और यहाँ पे गेंद जाएगा पीछे की ओर, बट हाँ एक ही रन ले पाएंगे ज़्यादा नहीं, तो
तीन ओवर के बाद इनका स्कोर है 22 रन, वो भी दो विकेट के नुकसान पे। अब ट्रेंट बोल्ट है सामने, अब ये यहाँ पे खेल नहीं पाएंगे ठीक तरह से, बट 101 कनेक्शन अच्छा बन गया, चार रन जाएगा, 26 रन दो विकेट। यहाँ पे पीछे खेलने की कोशिश, 3-2-3 खेला था, चाहेगा सिर्फ एक रन, 27 पे पहुँचेंगे। तीन ओवर तीन गेंद, 27 रन दो विकेट, और अगला बॉल स्ट्रेट बॉल करा जो कि भाई टाइम नहीं कर पाया और सीधा ही फील्डर के हाथ में, 27 पे थर्ड विकेट आया, ब्रूक आउट। तीन गेंदों में तीन रन बनाकर नेक्स्ट बल्लेबाज है रूसो, देखते इनसे कैसे खेलते हैं। ओके, स्लोअर डाला था मैंने और यहाँ पे भी कुछ नहीं हो पाएगा, दो रन जाएंगे सिर्फ, देखते अब आगे क्या होता है। स्ट्रेट बॉल और ये तो गजब का खेल दिया है भाई, ये जबरदस्त, ये जाएगा छः रन, बहुत बढ़िया हिट। चार ओवर में 35 रन और ये भाई साहब गेसिंग शुरू, भाई साहब क्या ही खेला है, 41 पे पहुंचे। अबे भाई भाई जबरदस्त यार, एक और बार चौका, बहुत बढ़िया हिट, एंड के टाइम पे ही भाई सुपर हीरो बन गए यार, देखना पड़ेगा अब। चलो अच्छा डिसीजन दूसरा डालने का, क्योंकि ये सोच रहे थे कि मैं अब सिर्फ कैरम ही करूँगा, तो जिसके चलते मुझे एक और विकेट मिल चुका है 45 पे, फोर्थ विकेट आ गया अपने हाथ में। अब आखिरी विकेट है, सेम करन है बल्लेबाजी पे, और यहाँ पे मैं आम बॉल करूँगा, टॉप स्पिन नहीं करा मैंने क्योंकि मुझे पता था वे गैस करने लगे कैरम, और यहाँ पे इन्होंने विकेट गवा दिया स्लोअर बॉल समझ के। तो अभी मैच ख़त्म हो चुका है, और हाँ वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।